चोरों को। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुपर वर्ल्ड में एक बैंक रोबरी होती है और फिर हमारे जाबाज सुपर हीरो आके उन चोरों को मजा चखा देते हैं। तभी एक कैदी जेल से भाग जाता है और उसे पकड़ने रनमैन जाता है और वो गलती से इक्कू के पाई से टकरा जाता है और ज्यादा स्पीड की वजह से उसका पाई वही टपक लेता है और इक्कू ठान लेता है कि वो उसके पाई का बदला सुपर हीरो से लेकर ही रहेगा। अब आगे हुए बाबू मोसाई, अब तो इन लोगों की पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा इन लोगों को। क्या हो गया भाई, क्यों दौड़ा दौड़ा आ रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करनी है जिसने मेरे भाई को दिन दहाड़े मार डाला। हाँ तो भाई बता कौन है वो, साले को अभी पकड़ के लाते हैं, वो बहुत डंडे मारेंगे। ये रहा टीवी पे, यही है रनमैन, इसने मेरे भाई को उड़ा दिया। आज हमारे साथ है रनमैन, जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक कैदी को पकड़ लिया जो जेल से भाग गया था। अरे कोई भी कैदी हो रनमैन से नहीं भाग सकता, पकड़ ही लूंगा। हाँ, पर उसे पकड़ने में आपके साथ एक हादसा हो गया था जो हमारे दर्शकों को बताइए। आज जब मैं मेले में जा रहा था चोर के पीछे, तभी एक बंदा मेरे बीच में आ गया मुझे रोकने के लिए। गलती से उसे टक्कर लग गई और उसकी मौत हो गई, मुझे उसका अफसोस है। और झूठ बोल रहा है ये, मैं और मेरा भाई तो साइड में खड़े थे, इसी ने आकर ठोकर मार दिया। वो भी मेरे भाई पे इंजाम लगा रहा है, आपको इसके खिलाफ कंप्लेन लेनी ही पड़ेगी। ये सुपर हीरो है वो, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तेरा भाई ही बीच में आया होगा इनके। नहीं, मैंने मेरी आंखों से देखा है, गलती तो सुपर हीरो की ही थी। ज्यादा बकबक मत करो वरना तुझे अवालत में डाल दूंगा झूठी कंप्लेन लिखवाने के चक्कर में, समझा? निकल यहाँ से। मैं ही बेवकूफ था जो पुलिस स्टेशन में न्याय लेने आ गया। कोई ना, मैं खुद कर लूंगा, मेरे भाई को मैं न्याय दिला कर ही रहूंगा। आ जाने भाई, मेरे को शांति से टीवी देखने देना। क्या आपके दांतों में कीड़े पड़े हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मेरी तरह आपकी भी समसमाटी बट्टी सी हो? तो जल्दी से मंगवाइए सुपर क्रिमिनल टूथ ब्रश, क्योंकि ये आपके मुंह के सारे कीटाणुओं को मार देगा और आपके दांतों को समसमा देगा। ऑर्डर नाउ, मेरा डिस्काउंट कोड यूज करो क्रिमिनल 99 और पाइए 99% डिस्काउंट। इस ब्रश से ब्रश करने में रिस्क रहता है और दांत भी टूट सकते हैं शर्तें लागू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ब्रश है, अभी ऑर्डर करता हूँ। हाँ मास्टर, बताइए क्यों बुलाया मुझे? अरे सुना है कल तूने मेले में एक बेगुनाह बंदे को उड़ा दिया। नहीं नहीं मास्टर, वो मेरे बीच में आया मुझे रोकने, तो गलती से मेरे से टक्कर लग गई। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे बताता हूँ। अब तो सच बोल दे नुबड़ी के। रुकिए मास्टर, बताता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाया और उसे उड़ा दिया। ये क्या मजाक चल रहा है सारे, एक बेगुनाह को मार दिया? अगर मेरा बस चले तो अभी मैं तुझे मौत के घाट उतार दूँ। अरे मास्टर माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कर दूँ, तेरी वजह से लोगों का विश्वास हमसे उठ रहा है, सुपर हीरो का नाम बदनाम हो रहा है। मास्टर सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा। बाबू मोसाई, मेरी कंप्लेंट पुलिस वाले भी नहीं ले रहे हैं, इन सुपर हीरो का मैं अकेले सामना कैसे कर पाऊंगा? सुनो, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी उससे अंदर बात करके आता हूँ। मिस्टर रिपोप, मुझे सुपर टीम की तरफ से भेजा गया है आपसे बात करने के लिए। अब बात करने को रहा ही क्या है, मेरा भाई तो छीन लिया। आराम से मिस्टर रिपोप, मेरे गार्ड्स AK-47 लेके बाहर ही खड़े हैं, सब देख रहे हैं। ठीक है, बताओ क्या चाहते हो तुम? सुनिए रिपोप जी, पूरी सुपर टीम को आपके भाई की मौत का अफसोस है, इसलिए आपकी नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। बदले में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे भाई की कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल था। ठीक है मिस्टर रिपोप, अगर आपका मन बदले तो मेरा नंबर यही है, मुझे कॉल कर सकते हो। निकलो यहाँ से वरना सच में तुम सबको गोली मार दूंगा। आखिर कब तक हम काली और सफेद चड्डी गैंग आपस में लड़ते रहेंगे जी? अब टाइम आ चुका है हमें इकट्ठा होने का और इस दुनिया को बताने का कि चड्डी गैंग में कितना पावर है जी। हाँ सही कहा भैया जी, सबका काट डालेंगे। चलो चड्डी गैंग पूरे शहर में आतंक फैला
करा दो जी, अलग अलग होके। भाइयों किसी को मत छोड़ना, पूरे शहर में कब्जा कर लो, चड्डी गैंग जिंदाबाद। अरे वो देखो जी, क्रिमिनल मैन ऊपर से आ रहा है, मारो साले को। क्या बात है, आज तो सफेद और काली चड्डी गैंग दोनों साथ में। अच्छा है अच्छा है, तब तो मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। बदमाशो, मैजिकल सकुरी आ चुकी है, ये लो आग का भवंडर। सुपर आलोक आ गया से भाई, चाहे जितने भी चड्डी गैंग के कीड़े हो सबको एक एक करके मसल दूंगो। भाइयों हम बहुत सारे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जहाँ दिखे वहाँ गोली मारो। अरे प्यारे चड्डी गैंग के बच्चों, मैं तो तुम्हें दिखूंगा ही नहीं, कैसे मारोगे। अरे भाइयों ये क्या हो रही है, भागो, ये तो भूत है। नहीं बेटा, इनविजिबल मैन बोलते। भाइयों मैजिकल सकुरी को मारो जी। नुगड़ो तुम लोगों के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। एक एक करके सभी को मारने में टाइम लगेगा, सालों को मेरी कार से कुचल देता हूँ एक बारी में ही। चड्डी गैंग स्वागत नहीं करोगे हमारा, अभी भवंडर लाके तुम सबका खात्मा कर देता हूँ। अरे ये क्या है, सारे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोई ना साड़ो, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आज सबको खत्म कर दूंगा। भाइयों संभल के, इसकी लेजर सबसे ज्यादा खतरनाक है। अरे रोबोमैन को मारो जी, इसके पास कोई पावर नहीं है। पावर नहीं, मेरे पास हथियार है जिससे मैं तुम सबको मसल सकता हूँ। अरे भागो, 5 सेकंड में तो इसने हमारी आधी गैंग का सफाया कर दिया। अबे यार ये क्या हो रहा है, मेरी रेस फिर से दिखनी बंद हो गई और मैं काबू खो रहा हूँ। लगता है मेरी पावर जा रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ओए इंस्पेक्टर सावधान, चड्डी गैंग यही कही है। अरे ये क्या, इनका तो सफाया कर दिया सुपर हीरोज ने। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे पहले से पता चढ़ गया था कि चड्डी गैंग कुछ खिचड़ी पका रही है, इसलिए हमने तुरंत आके उनका सफाया कर दिया ताकि आप पुलिस वालों को कोई खतरा ना हो। वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। ओए हाँ ओए, वो तो दिख रहे है, हजारों चड्डी गैंग के मेंबर को आपने खत्म कर दिया। गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर दो ताकि हम इसी तरह दुनिया को बसाते रहे। ओके तो यही है उस हिप हॉप का घर। और कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे हिप हॉप, तुम्हारे भाई के बारे में सुन के बहुत ही अफसोस हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई की कोई गलती नहीं थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि टीम सुपर ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिए पर तुमने नहीं लिए। बाबू मोसाई तुम कौन हो और ये सब तुम्हें कोई से पता? मैं हूँ एंड्रयू, इलाइट एंड्रयू, FBI से। बाबू मोसाई तुम तो पुलिस वाले नहीं लगते, तुम तो कोई बॉलीवुड मूवी के गुंडे लगते हो। हाँ तो वही समझ लो, वर्दी वाला गुंडा हूँ मैं। अच्छा तो क्या चाहते हो मेरे से? कुछ नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या मदद करने आए हो? देख हिप्पू, ये तेरे भाई के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये तो हर साल होता है। सुपर हीरोज की वजह से सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। नहीं बाबू मोसाई, अगर ऐसा होता तो टीवी न्यूज में आ चुका होता वो अब तक। वो ऐसा ही करते हैं, पैसा दे देते हैं या तो डरा धमका कर चुप करवा देते हैं। अच्छा बाबू मोसाई, पर मैं उनके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं हूँ उन सुपर हीरोज का पिछवाड़ा लाल करने के लिए। मैं तुम्हारे भाई का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूँगा। बाल बाल वहाँ से बच के भागा जी, नहीं तो मेरे को सुपर हीरोज खत्म कर देते। पता नहीं कोई डॉक्टर मेरा इलाज क्यों नहीं कर पा रहा। 1 सेकंड ये क्या, ये तो वही चड्डी गैंग का लीडर है। ये क्या, तूने मेरे को देख लिया, अब मुझे तेरे को गोली मारनी पड़ेगी जी। नहीं नहीं गोली मत मारना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो। नहीं तेरे को खत्म करना ही पड़ेगा।
मर गया साला, अच्छा हुआ मार दिया वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देता जी। अरे ये क्या, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्या जी, ये तो मर के भी जिंदा हो गया, ये तो भूत है, भागो। साले चड्डी गैंग के लीडर सुपर हीरो से तो बच गया, पर मेरे से नहीं बच पाएगा तू। अरे छोड़ दे मुझे जी, मेरे को मत मार। नहीं, तूने बहुत बेगुनाहों की जान ली है, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू और बेगुनाहों की जान लेगा। गलती हो गई जी, आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। गलती सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार नहीं। अंकल, मैं भी खिलौनों से खेल खेल कर बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ नया दिला दो। अरे क्या चाहिए रे तेरे को, एक बारी बोल मुझे। आप मेरे लिए ना रिमोट कंट्रोल रोबोट ले आओ। अरे चिंता काई को करता है, मैं तेरे लिए रिमोट कंट्रोल रोबोट प्लेन ट्रेन सब लेंगा। आ जाओ, ये सारे खिलौने पुराने जमाने के है, कुछ नया ले आओ। ठीक है जाता है, गार्ड्स बच्चे का ध्यान रखना। ठीक है साहब जी, हम छोटे मालिक का ध्यान रखेंगे। ओए एक घंटे बाद। ओए अरे अंकल, आए क्यों नहीं अभी तक, क्या पता दुश्मनों ने उन पे हमला कर दिया हो। हाँ छोटे मालिक, बात तो आपने सही कही, वो अब तक आए क्यों नहीं। तो खड़े खड़े टाइम पास क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढो उन्हें। हाँ सही कहा मालिक, हम ढूंढ के आते हैं, आप यही रहना, कहीं मत जाना। अगर यही रहना होता तो तुम सबको उनके पीछे नहीं भेजता। जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, महल में रह रहे के मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। अबे ये हेलीकॉप्टर में अभी कौन जा रहा है, एक सेकंड, ये तो छोटे मालिक है, अकल के अंधो, सब लोग कहाँ मर गए, बोला था इनको अकेला मत छोड़ना, फिर भी चले गए निकम्मे। सुनो सब लोग, छोटे मालिक भाग गए हेलीकॉप्टर लेके, जल्दी से उनके पीछे अपनी टीम भेजो, मैं भी आ रहा है, अगर उनको कुछ हो गया तो क्रिमिनल मैन हम सबको छोड़ेंगे नहीं। अरे मालिक चिंता मत करो, हम कैसे भी करके छोटे मालिक को वापस लेकर आएंगे। इस शहर का नया रखवाला आ गया है, सुपर आदम।